वर्ष 2014 पीट लाउ और कर्ल पाई दोनों मिलकर 6 लोगों के साथ एक प्रीमियम स्मार्टफोन की कंपनी OnePlus की शुरुआत करते हैं। आज 6 लोगों के साथ शुरू की गई यह कंपनी के फ़ोन लगभग 34 से ज़्यादा देशों में बेची जा रही है और आज यदि किसी एंड्रॉयड फ़ोन को एप्पल के साथ तुलना की जाती है तो मात्र एक एंड्रॉयड फ़ोन OnePlus ही है। तो आज के इस वीडियो में हम OnePlus की पूरी हिस्ट्री को जानेंगे, कैसे 2014 में शुरू होने वाली एक कंपनी महज 6 सालों में प्रीमियम स्मार्टफोन की एक बड़ी मार्केट शेयर को कैप्चर करती है, साथ ही इसके बिजनेस मॉडल को भी जानेंगे, कैसे इन्होंने महज 6 सालों में खुद को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है आशुतोष और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वैसे तो इस कहानी की शुरुआत 2013 में होती है, लेकिन उससे पहले हम कंपनी के फाउंडर्स के बारे में जान लेते हैं। पीट लाउ, जो कि अभी इस कंपनी के CEO हैं, ने 24 साल के कार्ल पाई के साथ मिलकर दिसंबर 2013 में इस कंपनी की शुरुआत करी थी। पीट लाउ ने अपनी कैरियर की शुरुआत ओप्पो में एज ए हार्डवेयर इंजीनियर के तौर पर की थी। हालांकि आगे चलकर उन्हें ओप्पो का ब्लू रे डिवीज़न का डायरेक्टर बना दिया गया और यहां पर भी शानदार काम करने के बाद इन्हें ओप्पो का हेड ऑफ मार्केटिंग बना दिया गया। फिर अंत में इन्हें ओप्पो का वाइस प्रेसिडेंट तक बना दिया गया था। दूसरी तरफ कार्ल पाई की बात करें तो कार्ल पाई का जन्म 1989 में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन स्वीडन में बिताया। स्कूलिंग पूरी करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ चाइना आ जाते हैं। वहाँ पर कार्ल पाई एक फैक्ट्री में MP4 प्लेयर लेते हैं और उसकी अपनी ब्रांडिंग करते हैं और उसे अपना वेबसाइट बनाकर बेचने लगते हैं। लेकिन एक साल बाद ही उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाई करने के लिए स्वीडन वापस बुला लेते हैं। स्वीडन जाने के बाद वहाँ पर कार्ल पाई BSc इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं, परंतु 3 साल बाद ही वो ड्रॉप आउट कर लेते हैं। इसी बीच चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी मीजू का एक फैन पेज बनाया था उन्होंने, इसलिए उन्हें मीजू के मार्केटिंग ब्रांच में एक अच्छी सी जॉब मिल जाती है। एक साल मीजू में काम करने के बाद कार्ल पाई ओप्पो ज्वाइन करते हैं एज ए इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर और वहां वो डायरेक्टली पीट लाउ के नीचे काम करते थे। सन 2013 पीट लाउ, कार्ल पाई और उनके कुछ दोस्त कैफे में बैठे थे। पीट लाउ ने एक बात नोटिस की कि यहाँ के जितने भी लोग बैठे हैं सारे लोग एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन कंपनी में काम करते हैं, लेकिन सभी लोग एंड्रॉयड यूज़ ना करके एक आईफोन यूज़ करते हैं। अपने साथ बैठे लोगों से उन्होंने जब इसका कारण पूछा तो पता चला क्योंकि एप्पल सबसे ज़्यादा फोकस अपने प्रोडक्ट और यूजर एक्सपीरियंस पर करता है तो लोग आईफोन लेना प्रीफर करते हैं। उन्होंने जब बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में पूछा तो सबने अलग अलग जवाब दिए। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन बनाया जाए जिसका फोकस प्रोडक्ट और यूजर एक्सपीरियंस पर हो और साथ ही साथ ये एक प्रीमियम फ़ोन एक एफोर्डेबल प्राइस में देना चाहते थे। नवंबर 2013 में ये दोनों ओप्पो छोड़ देते हैं और दिसंबर 2013 में ही OnePlus की नींव रखते हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें कितने स्मार्टफोन बनाने चाहिए और कितने फ़ोन बिकेंगे। इसके लिए ये एक नया सिस्टम लेकर आते हैं, रिफरल सिस्टम। इसमें यदि आपको OnePlus का फ़ोन चाहिए तो आपको फ़ोन लेने के लिए साइन अप करके इनवाइट करना पड़ता था और फिर अगर आप लकी हुए तो आपको फ़ोन मिल जाता था। इससे लोगों को लगा कि हमारे पास इतना पैसा है फिर भी हम फ़ोन नहीं ले सकते हैं और धीरे धीरे OnePlus की ब्रांडिंग होने लगी। वैसे 14 जून 2016 को OnePlus 3 के लॉन्च के साथ ही इन्होंने इनवाइट सिस्टम हटा दिए। सेकेंड था स्मैश द पास्ट। इस कैंपेन में आपको अपने पुराने महंगे फ़ोन तोड़ने होते थे और उसका वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड करना होता था, जिससे ये पता चलता था कि आप OnePlus डिजर्व करते हो और आप ऐसा करते तो आप में से किसी 100 लकी लोगों को $1 में OnePlus मिल जाता। इस कैंपेन में हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया और OnePlus की ब्रांडिंग और मार्केटिंग दोनों फ्री में हो गई। थर्ड था लेडीज़ फर्स्ट। 13 अगस्त 2014 को OnePlus एक कॉन्टेस्ट होस्ट करती है लेडीज़ फर्स्ट, जिसमें यदि किसी फीमेल्स को इनवाइट से फ़ोन नहीं मिल रहा है तो उन्हें OnePlus के लोगों के साथ एक सेल्फी पोस्ट करनी थी
और वो फोटो अगर बहुत ज़्यादा वायरल होती तो लेडीज़ को वन प्लस का फ़ोन मिल जाता था। इसके साथ ही कंपनी ने डिसाइड किया कि फ़ोन को सिर्फ ऑनलाइन बेचेंगे, क्योंकि दुकानों में बेचने से कॉस्ट बढ़ जाता है। 24 अप्रैल 2014 को इन्होंने अपना पहला फ़ोन लॉन्च किया। उस टाइम पे सस्ते फ़ोन $100 में मिलते थे और महंगे फ़ोन जैसे कि एप्पल सैमसंग के फ़ोन $600 में मिलते थे। इन्होंने जो बीच का गैप था उसे फिल अप किया। उनका फ़ोन काफ़ी सस्ता था पर रिव्यू अच्छे मिले। शुरू में ये मानकर चल रहे थे कि लगभग 50,000 वन प्लस वन बिक जाएंगे, लेकिन शुरू के एक साल में ही वन प्लस वन के 1 मिलियन यूनिट बिक जाते हैं। वैसे अगर भारत की बात की जाए तो पीट लॉ को लगता था कि प्रीमियम स्मार्टफोन भारत में ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए अप्रैल में नहीं बल्कि कुछ महीने बाद दिसंबर में वन प्लस को भारत में लॉन्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वन प्लस को प्यार मिला सबको चौंका कर रख देती है, और जहाँ भारत को वो सबसे पीछे समझते थे वहीं अब वो भारतीय लोगों के हिसाब से फ़ोन को डिज़ाइन करने लगे। लेकिन शुरू में वन प्लस को भारत में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। माइक्रोमैक्स क्लेम करती है कि भारत में साइनोजेन ओएस के साथ फ़ोन सिर्फ माइक्रोमैक्स ही इंपोर्ट कर सकती है और बेच सकती है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट वन प्लस का इंपोर्ट इंडिया में बैन कर देती है। अब यदि वन प्लस को अपना फ़ोन इंडिया में बेचना है तो साइनोजेन ओएस के बिना वन प्लस फ़ोन इंपोर्ट कर सकती है, लेकिन साइनोजेन ओएस के साथ नहीं। लेकिन कुछ समय बाद वन प्लस केस जीत जाती है, लेकिन इसके बाद वन प्लस अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्सीजन ओएस डिज़ाइन करती है। और फिर 2015 से लेकर अब तक वन प्लस ने वन प्लस 2, वन प्लस एक्स, वन प्लस 3, वन प्लस 5, वन प्लस 6, वन प्लस 7, वन प्लस 7 प्रो जैसे बहुत सारे फ़ोन लॉन्च करती है, और सारे फ़ोन्स में ऑक्सीजन ओएस ही यूज करती है। वैसे तो वन प्लस का सिर्फ एक शेयर होल्डर है और वह है ओप्पो इलेक्ट्रॉनिक्स। इवन वन प्लस ने अपना पहला फ़ोन ओप्पो कंपनी से ही मैन्युफैक्चर कराया था, लेकिन वन प्लस के फाउंडर पीट लॉ इस बात से इनकार करते हैं कि वन प्लस ओप्पो की सब्सिडरी कंपनी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास ओप्पो के अलावा भी अन्य इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने वन प्लस पर इन्वेस्ट किया है। अब यह वन प्लस ओप्पो इलेक्ट्रॉनिक्स की ही सब्सिडरी कंपनी है, ये बात ये क्यों छुपा रहे हैं ये तो वो खुद ही जाने। शायद इसलिए कि ओप्पो अब लोगों की नज़रों में एक कचड़ा ब्रांड बन चुका है, और ये लोग वन प्लस को एक प्रीमियम ब्रांड बनाकर रखना चाहते हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। उम्मीद करते हैं ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।